गुड आफ्टरनून क्लास 30 स्टूडेंट। देखिए पार्ट एक का एक आपका एक्सरसाइज का बुक का बुक एक्सरसाइज है ये, और इसका भी आपको रिवीजन करना है, इसको भी याद करना है। जैसे आपने देखो अपनी कॉपी में बड़ी की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। काल, काली, बड़ी की मात्रा लग गई। हाथ, हाथी, साथ, साथी, जाल, जाली, भार, भारी, फल, फली, तेल, तेली, राख, राखी, नम, नमी। तो बच्चों ये आपका ये बुक में है, एक अभ्यास कार्य है, ये भी आपको कॉपी में ही अपना रिवीजन करके देखिए किस तरीके से बड़ी की मात्रा लगाने के बाद शब्द चेंज हो गया, बदल गया उसका रूप। अब पार्ट एक में देखो पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची भी आपको याद करने हैं। पर्यायवाची यानी कि एक जैसे अर्थ वाले शब्द, जैसे संदेशा, समाचार, मेघ, बादल, धरती, भूमि, खुश, प्रसन्न, सच, सही, शीतल, ठंडा। अब है पाठ एक में संज्ञा शब्द। संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाम वाले शब्द। आपकी किताब में, पोएम में, कविता में जो शब्द आए हैं वो आम, मिश्री, कोयल, बादल, धरती, रानी, इस तरीके से कुछ शब्द आए हैं, तो वो आप अपने याद करके देखो और लिखो, पढ़ो इनको, ताकि आपको ये मात्राएं भी आपकी सुधार आएगा और आपकी हिंदी भाषा भी सुधरेगी। और देखिए बच्चों कोविड-19 से बचकर ही रहिए, पाठों का रिवीजन आप करते रहिए ताकि आपको सारे विषय अच्छे से याद हो जाएं, और इन्हें लिखकर देखते रहिए।